नमस्कार, विद्युत समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। सऊदी अरब में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के पास आत्मघाती हमला। सऊदी अरब के जेद्दाह शहर में सोमवार तड़के अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के बाहर हुए आत्मघाती हमले में 2 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए, जबकि हमलावर मारा गया। सरकारी टेलीविजन ने बताया कि हमलावर ने वाणिज्य दूतावास के निकट एक अस्पताल के बाहर अपनी कार को खड़ा किया और कुछ ही समय बाद धमाका कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटनास्थल पर 3 धमाके हुए। उन्होंने कहा कि यह धमाका दूतावास के गेट से सिर्फ 20 मीटर की दूरी पर हुआ है। चीन की भारत से अपील, बीजिंग का तथ्यपरक मूल्यांकन करे। चीन द्वारा एनएसजी में भारत का प्रवेश बाधित करने को लेकर नई दिल्ली की कड़ी प्रतिक्रियाओं के बीच एक चीनी सरकारी समाचार पत्र ने सोमवार को कहा कि भारत अब भी 1962 के युद्ध की मानसिकता में अटका हुआ है और उसने बीजिंग के रुख का अधिक तथ्यपरक मूल्यांकन किए जाने की अपील की। ग्लोबल टाइम्स के एक लेख में कहा गया कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में भारत के प्रवेश पाने में असफल रहने के मद्देनजर भारतीय लोगों के लिए सोल में पिछले महीने के अंत में हुई एनएसजी की संपूर्ण बैठक के परिणामों को स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है। यह लेख चीन भारत को सहयोग के लिए पुराने रुख को त्याग देना चाहिए शीर्षक के तहत छपा है। हमलावरों में शामिल था बांग्लादेश अवामी लीग के नेता का बेटा। बांग्लादेश के सत्तारूढ़ अवामी लीग के एक वरिष्ठ नेता का बेटा भी ढाका के रेस्तरा में हुए आतंकवादी हमले के 7 हमलावरों में शामिल हो सकता है। इस घटना में हमलावरों ने 20 लोगों की हत्या कर दी थी। बीडी न्यूज की खबर के अनुसार पार्टी की ढाका शाखा के नेता, बांग्लादेश ओलंपिक एसोसिएशन के उप महासचिव SM इम्तियाज खान बाबुल का बेटा रोहन इब्ने इम्तियाज की पहचान हमलावरों में से एक के रूप में हुई है। उसकी पहचान पार्टी के ही एक अन्य नेता ने की है। बाबुल ने इस वर्ष 4 जनवरी को अपने बेटे के लापता होने की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पाकिस्तान में बाढ़ से 31 लोगों की मौत। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चित्राल जिले में आई भीषण बाढ़ के कारण कुल 31 लोगों की मौत हो गई तथा बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। पाकिस्तानी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से सोमवार को बताया कि बाढ़ की चपेट में आकर 31 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता हैं। चित्राल के मेयर मगफिरत हुसैन ने बताया कि बाढ़ के कारण रविवार रात एक मस्जिद और 30 से अधिक मकान बह गए। मरने वालों में मस्जिद में नमाज अदा करने आए 10 लोग भी शामिल हैं। रूसी लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, 8 की मौत। रूस के एक लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 8 लोगों की मौत हो गई है। रूसी संवाद समिति ने इसकी जानकारी दी है। यह विमान शुक्रवार से लापता था और रविवार को इसका मलबा पाया गया। विमान ने एक तुर्क क्षेत्र में जंगलों में लगी आग पर नियंत्रण के लिए उड़ान भरी थी। आपात मामलों के मंत्री की वेबसाइट के मुताबिक सुबह बचाव कर्मियों ने इल्यूशिन I-1 क्षेत्र लड़ाकू विमान का मलबा बरामद किया। ये थे तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.begunia.com। नमस्कार।